हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्सिटी के। मैं आज मैं आप लोग को बताऊंगा किसी भी ब्लॉगर या वेबसाइट में पीडीएफ को कैसे ऐड करते हैं, बस 2 मिनट में। और इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा ब्लॉगर है जिसमें कि मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने गूगल ड्राइव पे जहाँ पे मेरा फाइल है। तो ये प्रभात खबर का जो फाइल है इसको हमें अपलोड करना है ब्लॉगर में। तो इसका शेयरेबल लिंक हमको कॉपी करना होगा। तो इसके लिए राइट क्लिक करके उसके बाद गेट शेयरेबल लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें लिंक मिल जाएगा। उसके बाद नोट पैड ओपन करके इसको हम पेस्ट कर लेंगे। बताएंगे दोस्तों यहाँ पर हम क्यों पेस्ट किए और आगे चलते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसको न्यू टैब में खोलेंगे। न्यू टैब में खोलने के बाद, सॉरी दोस्तों मेरा नेट थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा लोडिंग लगा दोस्तों। इसको खोलने के बाद थ्री डॉट जो दिख रहा है ऊपर में, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद देखिए नीचे में आ रहा एम्बेड आइटम। एम्बेड आइटम पे क्लिक करना है हमें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक कोड देगा, इस कोड को पूरा कॉपी करना है। इसके बाद न्यू पोस्ट में आना है। न्यू पोस्ट में आने के बाद HTML सेक्शन में हमें आना है। उसके बाद इसको रहने भी दे सकते हैं, उसके बाद नीचे में पेस्ट कर देंगे। सॉरी दोस्तों, लगता है हम कॉपी करना भूल गए। तो चलिए फिर से कॉपी कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से डिलीट। इसके बाद फिर से जहाँ हमारा फाइल था थ्री डॉट एम्बेड आइटम, इसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद अपने ब्लॉगर की वेबसाइट में आएंगे, उसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देंगे और कंपोज में चले आएंगे। प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से आप इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, प्लस माइनस से। पीडीएफ ऐड हो जाने के बाद अब नीचे में हम एक डायरेक्ट डाउनलोड लिंक बनाएंगे, जिससे कि कोई भी ये न्यूज़पेपर आसानी से डाउनलोड कर सके बिना कोई किसी दिक्कत का। तो चलिए वो करते हैं, नीचे में लिख लेते हैं। इसका बताते हैं, ये जो कोड मैंने रखा था यहाँ पे, इसका आप काम कंट्रोल से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद देखिए कुछ इस टाइप का खुल रहा है और डाउनलोड करने बोल रहा है, ये बहुत ही रफ दिख रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो ओपन दिख रहा है यहाँ लिखेंगे UC, उसके बाद सबसे लास्ट में एंड लगाएंगे। एंड लगाने के बाद EXPORT export equal to download ये लिखेंगे, उसके बाद सिलेक्ट ऑल करेंगे। उसके बाद ब्लॉगर में आएंगे अपने, उसके बाद जहाँ पे क्लिक हियर लिखे हैं वहाँ पे लिंक को ऐड करेंगे। लिंक को ऐड करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो लिंक हमने वहाँ से कॉपी किया था। उसके बाद टाइटल लिखना भूल गए हम दोस्तों, टाइटल लिख देते हैं डाउनलोड ई पेपर, कुछ भी जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं दोस्तों, पब्लिश कर देना है। पब्लिश कर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्लॉग को, ये देखिए दोस्तों पीडीएफ फाइल ऐड हो चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से। ये थीम थोड़ा सूटेबल नहीं है, मैं बाद में चेंज कर लूँगा। आप लोग को दिखाने के लिए सिर्फ ये सिंपल सा थीम रखा है मैंने। और नीचे में देख सकते हैं डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, क्लिक करते हैं इसके ऊपर। और ये देखिए दोस्तों जादू डायरेक्ट डाउनलोड है ना दोस्तों, प्रोफेशनल। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।